तो भाई व्हाट्स अप गाइस, दिस इज प्रीत विश्वास, यू आर वाचिंग प्रीत स्टूडियो। तो जिसका हमें इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। तो यहाँ पर पबजी मोबाइल इंडिया वापस आ चुका है, वो भी एक नए नाम के साथ यहाँ पर वापस आ चुका है। ये बात तो आपको पता चल ही गई होगी। तो इसमें मैं सिर्फ इतना नहीं बताऊँगा कि वापस आ रहा है, तो इसके बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पिछले साल आपने देखा था 2020 में एंडिंग में कि यहाँ पर टीज़र लॉन्च किया था पबजी ने, पबजी मोबाइल इंडिया नाम से। यहाँ पर आपने देखा था उसमें डायनोमो वगैरह थे जो कि पबजी मोबाइल गेम खेल रहे थे, और वहाँ पर कमिंग सून लिखा आ गया था। लेकिन काफ़ी दिनों के बाद कोई अपडेट्स नहीं मिल रही थी, हमको लगा कि आने वाला, लेकिन क्या हुआ, पबजी ने गवर्नमेंट से बात की लेकिन गवर्नमेंट नहीं मानी, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम आ रही थी उसके नाम की वजह से आ रही थी। लेकिन पबजी ने सोचा कुछ नया करते हैं, नए नाम के साथ सेम गेम देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमको वो गेम देख मिल जाता है बैटर ग्राउंड मोबाइल इंडिया के नाम से, और आप यहाँ पर जो टीज़र देख पा रहे हैं, फ्लैग है, तिरंगा है, वैसा ही यहाँ पर इंडियन शेड देने की कोशिश की गई, बिल्कुल हमारे रंग में रंग गया है यहाँ पर पबजी। आपको क्या नई चीज़ देखने को मिलेंगी यहाँ पर, आपको बहुत सारे नए नए अटायर्स जो कि हमारे इंडियन हिसाब से होंगे। और पहले देखा होगा आपने कि पबजी में जब भी कोई उतरता था गेम खेलने के लिए सबसे पहले, तो वो विदाउट अटायर्स, मतलब बहुत कोई कपड़े पहन के नहीं उतरता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला, इस बार वो अपन को इंडियन ड्रेस में देखने को मिलेगा, जैसे कुर्ते हो गए, जैसे पगड़ी हो गई, इस टाइप की चीज़ देखने को मिल सकती है, जो कि काफ़ी मुझे बहुत एक्साइटेड हूँ इस गेम के लिए, ठीक है। तो बहुत सही गेम है। और इसके बाद बात करेंगे और क्या प्रॉब्लम हो रही थी तब, और प्रॉब्लम थी जब पबजी मोबाइल बैन किया गया था तब, ये पॉइंट था कि जो कि उसके सिक्योरिटी को लेकर था, कि जो हमारा यूज़र इंटरफेस है और यूज़र डाटा बेस है उसकी सिक्योरिटी के रिगार्डिंग जो हमारी गवर्नमेंट ने एक्शन लिया था और पबजी को बैन कर दिया था। लेकिन इस बार आप इसकी वेबसाइट पर देख पा रहे हो साफ साफ कि यहाँ पर उस चीज़ का विशेष ध्यान रखा गया है, और जिसके लिए जो कि हमारा पबजी मोबाइल था अब उसको पूरी तरह से यहाँ पर क्राफ्ट ऑन बना रही है। यहाँ पर आपको टेंशन का कोई भी रोल देखने को नहीं मिल रहा है। तो सारे सर्वर्स भी यहाँ पर इंडिया में बनाए जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए और हमारे जो कि डेटाबेस है उसके सिक्योरिटी के लिए काफ़ी अहम हो जाते हैं। तो एक ये चीज़ हो गई, और दूसरी चीज़ हो गई, एक नया अपडेट देखने को मिलेगा आपको इसमें, नए नए जो मैप्स थे वो भी देखने को मिलेंगे इसमें, काफ़ी सारे तो नहीं होंगे लेकिन शुरुआत में इनिशियल स्टेज में आपको एक दो मैप देखने को मिल जाएंगे जो कि शायद उससे अलग होंगे। तो ये तो बात हो गई यहाँ मैप्स की, और उसका यूज़र इंटरफेस भी सेम रहने वाला है जो कि काफ़ी कमाल का होगा। लेकिन आपको यहाँ पर नए नए वेपन्स देखने को मिलेंगे इंडियन कल्चर के हिसाब से, आपको शायद चाकू और छुरी जो भी है वो भी देखने को मिल सकती है, और गन्स नई नई जो कि इंडियन आर्मी के हिसाब से यहाँ पर डिज़ाइन की गई है। और यहाँ पर पता चल रहा है कि यहाँ पर जो क्राफ्टोन है वो इस गेम को अपने ई स्पोर्ट्स के रूप में लेके आ रही, तो जहाँ पर जो कि इंडियन ई स्पोर्ट्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके साथ यहाँ पर गेम्स का ध्यान रखा गया है, उन्हीं रूल्स को फॉलो किए गए, तो ये हमारे ई स्पोर्ट्स को भी एक बढ़ावा देगा जो कि काफ़ी सही चीज़ हो जाती है। यहाँ पर उन्होंने वेबसाइट पे भी मेंशन किया है, तो और उसके ऑफिशियल यूट्यूब के चैनल पे आपने उसका टीज़र तो देख ही लिया होगा यहाँ पर। और यूट्यूब की बात करो, फेसबुक की बात करो और ट्विटर की बात करो, तो यहाँ पर तीनों का नाम चेंज होकर बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया हो चुका है, लेकिन यहाँ पर इंस्टाग्राम का नाम चेंज नहीं हुआ, लेकिन वो भी कुछ दिनों में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो बात ये थी कि पहले जब बैन हुआ था पबजी इंडिया में तो उसका सिक्योरिटी रीज़न था, तो यहाँ पर उसका ध्यान रखते हुए यहाँ पर जितने भी सर्वर्स थे वो इंडिया में इंप्लांट कर दिए गए हैं, तो यहाँ पर सर्वर्स की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, न्यू सर्वर्स आपको देखने को मिले इंडिया के अंदर, और जो गेम भी रहने वाला है सिर्फ इंडियन सर्वर्स पर रहेगा। तो बाहर का जो भी पबजी से आप है ना कनेक्ट नहीं कर पाऊंगे, जैसे आप सोचो कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया खेल रहे हो तो पबजी से कनेक्ट करके खेल सके दूसरे वाले से, तो वैसा शायद मुझे नहीं लगता अभी पॉसिबल हो पाए, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने दोनों गेम्स को डिफरेंट रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये आप कर पाओगे कि कोई पबजी खेल रहा आप उससे इंटरकनेक्ट कर पाओगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। तो आपको सिर्फ आपको यही बैटल ग्राउंड इंडिया मोबाइल देखने को मिलेगा, और सभी इंडियन जो सर्वर्स होंगे वही यूज़ कर पाएंगे इसको। तो बात करें इसकी प्री रजिस्ट्रेशन कब से होगी, तो यहाँ पर बात निकल के आती है, यहाँ पर मिड मई में आपको इसका प्री रजिस्ट्रेशन देखने को मिल जाएगा, जो कि चालू हो जाएगा मिड में से लेके आपको जून तक देखने को मिलेगा, और जून के एंड में ये गेम हमको पूरी तरह से देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी कमाल बात है। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दो यार, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगी, क्योंकि जब ये गेम स्टार्ट होगा और इंडियन सर्वर्स पे यहाँ पर होने वाला है, तो शुरुआत में तो हमको बग्स भी देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको और भी ग्लिचेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि शुरुआती यहाँ पर कोई भी गेम हो, चाहे हमने देखा था फौजी गेम, बहुत गंदी स्थिति थी उसकी, तो वो
बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे तो पसंद नहीं आया खासकर, तो वो उसकी हालत जैसी हुई थी, नए सर्वर्स पे बना था और उसमें इतना डेवलपमेंट भी नहीं है। और अभी टीजर देखा था एक हफ्ते पहले भी उसका न्यू टीजर लॉन्च हुआ जिसमें कि आपको डेथ मैच भी देखने को मिल रहा है, तो इस टाइप की चीज़ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आपको जो बैटल्स ग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम है उसमें भी आपको शुरुआत में थोड़ी सी दिक्कत देखने को तो मिल सकती है मे बी, लेकिन धीरे धीरे ये गेम इम्प्रूव होगा और नई नई चीज़ें सामने निकल के आएगी, नए नए मैप्स आएंगे और नए नए सीज़न के साथ ये जैसे पबजी चलता था वैसा ही ये सिमिलर चलने वाला है। तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। मुझे लगता है कि हमने सभी टॉपिक्स पर यहाँ पर खुल के बात कर ली है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस गेम से रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, और जो भी नए अपडेट्स आते हैं तो आप भी मुझे बता सकते हैं अगर मैं कुछ पॉइंट्स को मिस कर दिया हूँ। तो यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये अपडेट आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे कंटेंट आपको मिल पाए, ठीक है? तो चलिए, बाय।